Good morning class, this is our new Anna Physio class in which today we will study about the remaining portion of respiratory system in which today we will study about the control of respiration. देखिए हम लोगों ने respiratory system की anatomy पढ़ ली थी, physiology पढ़ ली थी, हमने पढ़ा कैसे gases का exchange होता है, कैसे O2 pick हुई, deliver हुई, कैसे CO2 pick हुई, कैसे deliver हुई, पार्शल प्रेशर जो है या प्रेशर ग्रेडियंट की हम बात करें तो एक्सटर्नल कितना है, इंटरनल कितना है, कब गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कब बाहर से अंदर आती, कब अंदर से बाहर जाती, सब चीज़ें पढ़ी हमने. पर इस रेस्पिरेटरी पूरे प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को कंट्रोल कौन करता है या कैसे किया जाता है वो हमें आज पढ़ना है. तो ऑक्सीजन डिमांड जब चेंज हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही रेस्पिरेशन का कंट्रोल चलता है, जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेज दोनों का रोल होता है. इन दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है लोकल कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कंट्रोल बाय ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर. हमारे लोकल पार्ट भी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो लोकल एरिया भी, और ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो भी इस पूरी मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है. अब लोकल कंट्रोल कैसे होता है रेस्पिरेशन का, जब आर्टेरियोल की जो सप्लाई है पल्मोनरी कैपिलरीज की वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है जब ऑक्सीजन लो हो जाएगी. जब भी आपकी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर होएगी उस समय जो आर्टेरियोल्स पल्मोनरी कैपिलरी को सप्लाई कर रही हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और ब्रोंकियोल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं जब CO2 हाई हो जाता है. ऑक्सीजन लो होता है तब आर्टेरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और जब CO2 हाई होता है तब ब्रोंकियोल्स डायलेट हो जाते हैं. तो ये तो है लोकल कंट्रोल रेस्पिरेशन के, उस लोकल एरिया में आर्टेरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट और ब्रोंकियोल्स डायलेट, तो ये तो उसी जगह की बात हुई. अब ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर में क्या होता है, ब्रेन स्टेम में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उसमें 3 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं, 2 पेयर्स पॉन्स में होते हैं, 1 पेयर मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंदर पाए जाते हैं. हमारे ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर में न्यूक्लियाई के 3 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स पॉन्स में, 1 पेयर मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंदर. ये रेस्पिरेटरी मसल्स को कंट्रोल करते हैं और वेंटिलेशन की रेट और डेप्थ को सेट करते हैं. रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी जो है, रिदमिसिटी सेंटर है वो हमारे मेड्यूला में पाया जाता है कि रेस्पिरेशन की रिदम कैसे चलेगी, सही चल रही नहीं चल रही, अगर बढ़ जाती है टैकेपनिया, कम हो जाती है ऑर्थोपनिया, बहुत कम हो गई डिस्निया, ये अलग अलग कंडीशंस हैं. ये कौन सी कंडीशन जब रेस्पिरेशन की रिदम बिगड़ जाती है, और इस रिदम को कंट्रोल करने वाला सेंटर जो है वो मेड्यूला में पाया जाता है जो कि हमारे ब्रीदिंग की बेसिक रिदम को सेट करता है. अब ये रेस्पिरेशन पैटर्न का बेसिक रेगुलेटरी प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. इनहेलेशन 2 सेकंड्स और एक्सहेलेशन में 3 सेकंड्स लगते हैं. देखिए यहाँ पर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो एक्टिव हो जाता है. जैसे ही ये ग्रुप एक्टिव हो जाएगा हमारे इंस्पायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी जिससे इंस्पायरेशन का प्रोसेस होएगा, और जैसे ही आपने इंस्पायरेशन किया, ऑक्सीजन को अंदर लिया, वैसे ही डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो इनहिबिट हो जाएगा. इनहिबिट होते ही इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और पैसिव एक्सपायरेशन हो जाएगा. जब इंस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इंस्पिरेशन हुआ होता, जब इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो एक्सपायरेशन होता है. एक्सपायरेशन होते ही सारी CO2 जो है वो बाहर निकल गई, गैसेस बाहर निकल गई, वापस आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव हो गया. ग्रुप एक्टिव होते वापस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाएगा. तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्वाइट ब्रीदिंग. हमने 2 तरह की ब्रीदिंग पढ़ी थी ना, उनमें से पहली है क्वाइट ब्रीदिंग जिसका ये मैकेनिज्म बताया गया, और आपको ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट जो है वो एग्ज़ाम में बनाना है, ठीक है. अब दूसरा फोर्स्ड ब्रीदिंग, फर्स्ट थी कौन सी थी भाई, क्वाइट ब्रीदिंग, जिसमें कैसे हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, कैसे हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का रोल बताया गया था और मसल्स का. अब फोर्स्ड ब्रीदिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, तो DRG जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं आपके, उनकी डिलीवरी के बारे में बताया गया है. इंस्पायरेटरी सेंटर जो आपके VRG में है, डॉर्सल और वेंट्रल
रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में बताएगा, तो इंस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और एक्सपिरेटरी सेंटर इनहिबिट हो जाएगा। एक्सपिरेटरी इनहिबिट हो गया, DRG, इंस्पिरेटरी सेंटर वगैरह एक्टिव हो गए। जैसे ही एक्टिव हो गए तो इंस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। इंस्पिरेटरी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपिरेटरी मसल्स रिलैक्स, जिससे कि इंस्पायरेशन होगा। जैसे ही सांस अंदर खींची, DRG और इंस्पिरेटरी सेंटर जो है VRG के वो इनहिबिट हो गए, मतलब अब ये जस्ट अपोजिट हो गया, और एक्सपिरेटरी सेंटर जो है वो VRG का एक्टिव हो गया, जो पहले इनहिबिट हुआ हुआ था ये एक्टिव हो गया। इसका असर फिर इंस्पिरेटरी मसल्स इसके असर से रिलैक्स हो जाएंगे, जबकि एक्सपिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे कि एक्टिव एक्सपायरेशन होगा। ऊपर इंस्पायरेशन हुआ था, यहाँ एक्टिव एक्सपायरेशन हो गया। यही पूरी मैकेनिज्म फोर्स्ड ब्रीदिंग कहलाती है। ऊपर का पूरा पार्ट जो तीन बॉक्सेस बने हुए वो इनहेलेशन को दर्शा रहे हैं, और नीचे के जो तीन बॉक्सेस है वो एक्सहेलेशन को दर्शा रहे हैं। और ये दो अलग अलग कलर्स के अंदर इसको इंडिकेट किया गया, एक पेल येलो कलर है और एक लाइट ब्लू कलर में ये पूरा मैकेनिज्म बताया गया, जो बड़ा खूबसूरत सा मैकेनिज्म है। समझिए इसको कि DRG और इंस्पायरेटरी सेंटर VRG का वो एक्टिव हो गया, एक्सपायरेटरी सेंटर इनिबिट हो गया, जिससे कि इंस्पायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपायरेटरी मसल रिलैक्स, इंस्पायरेशन करवा देगा ये। फिर अपोजिट DRG और इंस्पायरेटरी सेंटर इनहिबिट, जबकि एक्सपायरेटरी एक्टिव हो गया। जैसे एक्सपायरेटरी एक्टिव हुआ तो एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इंस्पायरेटरी रिलैक्स हो जाएंगे और एक्टिव एक्सपायरेशन हो जाएगा। सिंपल। अब रिफ्लेक्स कंट्रोल कैसे है रेस्पिरेशन का, तो इसमें इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, डिफ्लेशन रिफ्लेक्स और कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस, तीन रिफ्लेक्स पाए जाते हैं। इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स को लंग्स प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट्स मतलब ये जो इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट्स लंग्स फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स लंग को ये कहते हैं कि भाई तू ज़्यादा एक्सपांड मत हो जाना, नहीं तो एक्सपैंड ही रह जाएगा, वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ ही नहीं पाएगा। तो ओवर एक्सपेंशन से बचाती है ये इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स जो है वो लंग्स को बचा रही है ओवर एक्सपेंशन से, जबकि डिफ्लेशन रिफ्लेक्स जो है वो जब लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं तो उस समय इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करती है। जैसे लंग्स खाली हो गए तो अब इंस्पायरेशन से उसको वापस ऑक्सीजन से भरा जाता है, जबकि कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस जो है वो अगर pH में या ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में, CO2 के पार्शियल प्रेशर जो ब्लड के अंदर CSF में, उनमें जब चेंजेस आता है तो उसके लिए रिस्पॉन्ड कौन करता है, ये कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस। तो ये तीन तरह के रिफ्लेक्स है जो कि रेस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं। अब हायर सेंटर्स कैसे कंट्रोल करते हैं रेस्पायरेशन को, तो ये पॉन्स पे या रेस्पायरेटरी मोटो न्यूरॉन्स के ऊपर इफ़ेक्ट एग्जर्ट करते हैं, डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। जो हायर सेंटर्स हैं वो पॉन्स पे और रेस्पिरेटरी मोटर न्यूरॉन्स पे अपना असर दिखाते हैं, जिसे वॉल्यूंट्री एक्शन, जैसे स्पीच और सिंगिंग के समय, बोलते समय भी आपको भाई आपकी सांस खर्च हो रही होती है, और गाते समय तो आप जानते हैं राग लंबी खींचती है, अपन आम लोग खींच ही नहीं पाते, इसके लिए बड़ी वो मेहनत की, वो साधना की ज़रूरत होती है। लोग कितने समय तक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं रियाज करते हैं सुबह जल्दी उठ करके, इन्हेलेशन एक्सहेलेशन वाला, ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का वो पूरा हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं को, यही चीज़ें कंट्रोल हो रही है ना इससे, इसलिए। इसी तरह से जो इनवॉल्यूंट्री एक्शन है वो लिम्बिक सिस्टम से चलता है, जिसमें रेज, ईटिंग और सेक्सुअल अराउजल हो रहा होता है, तो उस समय भी आपकी सांसों में चेंज आ रहा होता है। सेक्सुअल अराउजल के दौरान भी सांस जो होती है वो तेज हो जाती है, खाने के समय भी सांस जो है वो चेंज हो जाएगी, और रेज के दौरान भी ऐसा होता है। अब पॉन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उन, वो क्या करते हैं, वो ब्रीदिंग का बेसिक पेस सेट करते हैं, जैसे ही एज मॉडिफाइड बाय इनपुट फ्रॉम कीमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर्स एंड स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जैसे ही इन तीन रिसेप्टर से उनको इनपुट मिलता है, वैसे ही वो ब्रीदिंग का बेसिक पेस सेट करते हैं। इसके अलावा CO2 का लेवल जो है वो इस ब्रीदिंग का मेन ड्राइवर है। CO2 का लेवल हमारे ब्रीदिंग का मेन ड्राइवर है, ना कि ऑक्सीजन का लेवल। और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस जो है वो इंटरप्ट करते हैं ब्रीदिंग के अंदर, और कॉन्शियस कंट्रोल करते हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को, ये रेस्पिरेशन का कंट्रोल। देखिए
हायर सेंटर्स जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस से बना हुआ है। CSF में कीमो रिसेप्टर्स बताए गए हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर्स पॉन्स के अंदर दिखाया गया है, ये सेरेबेलम के अंदर देखिए, 9th 10th ये नर्व्स देखिए। कीमो रिसेप्टर्स और बैरो रिसेप्टर्स कैरोटिड और एओर्टिक साइनसेस के अंदर दिखाए गए हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपके लंग्स के अंदर है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG VRG का जिसका अपन रोल पढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी सेंटर हैं दोनों के दोनों। देख लीजिए इन सेंटर्स को अच्छे से। अभी नाम आए थे इनके, कहाँ पर नाम आए थे इनके? इनके नाम आए थे जब अपन फोर्स्ड ब्रीदिंग पढ़ रहे थे तब। इसके अलावा मोटर न्यूरॉन्स बताए गए हैं जो कि डायफ्राम को कंट्रोल कर रहे हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो कि दूसरे रेस्पिरेटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो दिखाए गए हैं। तो डायग्राम को देखिए, और यहाँ पर जितने भी लाल एरो हैं वो स्टिम्यूलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि ब्लू एरो जो है वो इनहिबिशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब बर्थ के समय रेस्पिरेटरी क्या चेंजेस दिखाई देते हैं? तो बर्थ से पहले की कंडीशन जिसमें पल्मोनरी आर्टरियल रेजिस्टेंस हाई होता है, रिब केज जो है वो, ये जो रिब्स का आपका जाल है वो कंप्रेस रहता है, लंग्स कोलैप्स रहते हैं, एयरवे और एल्वियोलाई जो है वो फ्लूड से भरा हुआ रहता है। बच्चे के बर्थ से पहले उसके पल्मोनरी आर्टरियल का रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होता है, रिब केज कंप्रेस होता है, लंग कोलैप्स होता है, एयरवे एल्वियोलाई जो है वो फ्लूड से भरे रहते हैं। और बर्थ के बाद हेरोइक ब्रीद जो है वो अचानक लंग्स के अंदर बढ़ जाएगी, मतलब जो अभी लंग्स पूरी तरह से खाली थे, इनमें फ्लूड भरा हुआ था, एयर नहीं थी, वो अचानक एयर से भर गए लंग्स ब्रीदिंग के थ्रू, और फ्लूड वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है और एल्वियोलाई जो वो खुल जाते हैं। यहाँ पे सर्फेक्टेंट रिलीज होते हैं जो कि ओपन एल्वियोलाई को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी जो लूज हो जाती है, तो इलास्टिक टिश्यू डिटोरिएट्स हो जाएंगे, अगर वो लूज़ हो गई तो रिब केज मूवमेंट रुक जाएगा और कुछ और एम्फिसिमा जैसी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देगी। अब इलास्टिक टिश्यू डिटोरिएट्स हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं भैया आपके लंग्स के अंदर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इलास्टिसिटी पाई जाती है, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे इलास्टिक टिश्यू खराब होंगे बिगड़ेंगे तो आपकी वाइटल कैपेसिटी अचानक ही कम हो जाएगी, रिब केज का मूवमेंट भी उस समय रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, आर्थराइटिक चेंजेस उसके अंदर आने लग जाएंगे, हड्डियों के चेंजेस आने लग जाते हैं, और कॉस्टल कार्टिलेज जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और कुछ एम्फिसेमा जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का पर्सपेक्टिव देख लीजिए भाई, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरे सिस्टम के साथ में क्या रिलेशनशिप है वो बताया गया है। तो देखिए इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के साथ में क्या रिलेशन है, कि ये प्रोटेक्ट्स पोर्शंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हेयर्स गार्ड एंट्री टू एक्सटर्नल नेयर्स, जो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पर, वहाँ कौन सा है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसको आपका जो नाक है, नाक के अंदर के जो बाल हैं वो उसको एक तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका प्रोटेक्टिव पोर्शन है जो कि फॉरेन बॉडी को आपके अंदर घुसने नहीं देता। दूसरा, ये जो रिब्स का मूवमेंट चल रहा होता है वो ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सियल स्केलेटन जो है वो लंग्स को चारों तरफ से घिरे हुए रहता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मस्कुलर एक्टिविटी कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करती है, रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो फिल और एम्प्टी करती है लंग्स को भरेगी और उसको खाली करने का काम रेस्पिरेटरी मसल्स का है। और दूसरी मसल्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एंट्रेंस को कंट्रोल करती है कि उसके अंदर क्या चीज़ जानी चाहिए और क्या नहीं जानी चाहिए, जबकि इंट्रेंसिक लैरिंजियल मसल जो है वो एयर फ्लो को कंट्रोल कर रही होती है लैरिंग्स के द्वारा और उसी से साउंड भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को और ब्लड गैसेस के लेवल्स को भी मॉनिटर करता है और रेस्पिरेशन के डेप्थ को और पेस को भी कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम जो है, सारे सिस्टम्स का वर्क बताया गया है भाई, देखते जाइए। हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था रेस्पिरेटरी सिस्टम का पर्सपेक्टिव दूसरे सिस्टम के साथ में। तो इंटेग्यूमेंट के साथ में हमने कहा कि ये हेयर्स वगैरह हमें फॉरेन पार्टिकल से बचा रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम्स लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, रिब्स का मूवमेंट करवाता है, मस्क्यूलर सिस्टम वही के लंग्स को भरने और खाली करने के और CO2 को जनरेट करने का काम कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो चीज़ें एंटर हो रही है उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, और लैरिंजियल मसल्स एयर फ्लो को कंट्रोल करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को और ब्लड गैस के लेवल को मॉनिटर करता है और रेस्पिरेशन के डेप्थ और पेस को कंट्रोल करता है।
एंडोक्राइन सिस्टम में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का रोल होता है, जो कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को स्टिम्युलेट करते हैं और रेस्पिरेटरी पैसेजवे को डायलेट करते हैं। नेक्स्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स और पेरिफेरल टिश्यू के बीच में, जबकि बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो ब्लड की बफरिंग कैपेसिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे सिस्टम कैसे जुड़े हुए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में वो बताया गया है। लिम्फेटिक सिस्टम में टॉन्सल्स और फैगोसाइटिक सेल्स का रोल होता है। टॉन्सल्स जो हैं वो इन्फेक्शन से बचाते हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस जाए कोई अगर ऑर्गेनिज्म तो उससे टॉन्सल्स बचाते हैं, जबकि लिम्फेटिक वेसल जो है वो लिम्फ लंग से होने वाले लिम्फ ड्रेनेज को मॉनिटर करता है और स्पेसिफिक डिफेंस को मोबिलाइज करता है जब इन्फेक्शन हो रहा होता है। दूसरा एल्वियोलर फैगोसाइट्स जो हैं वो अगर कोई एंटीजन वहाँ मौजूद है तो उसको पकड़ करके खा जाएंगी, यानी डिफेंस का काम करती है। नेजल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है और अपर फेरिंग्स ट्रैप्स में जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है वो पैथोजन को ट्रैप कर लेती है और डीपर टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है उन पैथोजन से। ये लिम्फेटिक टिश्यू का काम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? सबस्ट्रेट, विटामिन्स, वाटर और आयंस जो भी हमारी सेल्स के लिए ज़रूरी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सभी सेल्स के लिए जो ये चीज़ें ज़रूरी है उनको प्रोवाइड करता है। जबकि थोरेसिक और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा जब रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होएंगी, जिससे कि डिफिकेशन का प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। डिफिकेशन ऐसे ही होएगा कि थोरेसिक और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, डिफिकेशन यानी स्टूल पास होगा। अब यूरिनरी सिस्टम, ऑर्गेनिक वेस्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेल से जनरेट हो रहा है उसको निकालेगा और ब्लड में आयन और फ्लूड के बैलेंस को नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रखेगा। इसके अलावा पीएच के रेगुलेशन को असिस्ट किया जाता है CO2 को एलिमिनेट करने के बाद में, CO2 को एलिमिनेट करके पीएच के रेगुलेशन को असिस्ट किया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी रेट को चेंज करते हैं और रेस्पिरेटरी डेप्थ को चेंज करते हैं सेक्सुअल अराउजल के दौरान, इसीलिए उस समय सांसों का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो बस ये सारे सिस्टम्स हमने पढ़ लिए कि इन सभी सिस्टम्स का आपके रेस्पिरेशन के साथ में क्या रोल है। तो एक्चुअली आज जो है अपने रेस्पिरेटरी का एक्चुअल इंट्रोडक्शन आज ख़त्म हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में एनाटॉमी पढ़ी, सेकंड में फिजियोलॉजी पढ़ी और थर्ड के अंदर कंट्रोल पढ़ा, रेस्पिरेशन का कंट्रोल हमने आज थर्ड क्लास के अंदर पढ़ा है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू।